दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना के नियमों के पालन की अपील की है। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ट्रक और कार की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के टोंक जिले में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब 4 लोगों को 2 लड़कों ने बचा लिया। टोंक में तेज बारिश के बाद एक नाले में पानी की तेज धार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिसमें 4 लोग पानी में बह गए थे। लेकिन ठीक उसी समय 2 लड़कों ने पानी में छलांग लगाकर 4ों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सारे को निकाल के सुरक्षित बाहर निकाल दिया हमने। यूपी के प्रतापगढ़ में 15 दिनों से लगातार बारिश के बाद वहां पर भंवर सेमला बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक के खड़े ट्रकों से टकरा जाने के बाद 5 ट्रकों में आग लग गई। बताया गया कि बिलासपुर में रायपुर की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और खड़े ट्रकों से टकरा गया, जिसके बाद पास खड़े ट्रकों में भी आग लग गई। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने 320 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से एक घर जमींदोज हो गया, साथ ही पास के ही होटल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के मिर्जापुर में गंगा में उफान की वजह से नदी किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां के हरसिंहपुर गांव की कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उसी तरह का अगर पानी भरा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, रहने के लिए भी सुविधा नहीं रहेगा।